हेलो एवरीवन, इस कोविड पैंडमिक के दौरान हम सबके ऊपर काम का पहाड़ टूट पड़ा है और इनमें से सबसे मेहनत वाला जो काम है वो है झाड़ू पोछे का काम। और जिनको ऑलरेडी स्पाइन की प्रॉब्लम है उनको ये काम करने की वजह से और ज़्यादा एग्रोवेट हो रहा है। तो इन सब का एक बहुत ही क्यूट लुकिंग सॉल्यूशन मेरे पास है। ये नहीं, ये है रोबो रॉक का S5 मैक्स प्रो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। इसका नाम है स्नोबेल। और ये झाड़ू पोछा दोनों करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशंस नहीं है। ये गैजेट मैंने खुद खरीदा है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये रिव्यू दे रही हूँ। दोस्तों, ये खिलौने जैसा दिखने वाला गैजेट आपके पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देता है। फर्स्ट यूज़ में ही ये आपके घर को बहुत ही स्मार्टली नेविगेट करके उसका मैप अपने मेमोरी में सेव कर लेता है और कभी नहीं भूलता है। इसके अलावा आप इसका ऐप डाउनलोड करके इसको इफेक्टिवली अपने मोबाइल से चला सकते हैं। एक बार फुल चार्ज होने पर ये ऑलमोस्ट 180 मिनट्स तक आपके घर की पूरी साफ़ सफाई करता है। एक 2 BHK को ये बहुत ही ईजीली इस बैटरी में आराम से झाड़ू पोछा लगा देता है। दोस्तों, ये इसका चार्जिंग डॉक है, इसके थ्रू ही ये चार्ज होता है। इसे आपको घर के किसी कॉर्नर में इंस्टॉल करना होता है और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा आपके घर में 2.4 GHz का एक वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिससे ये गैजेट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। इससे आप अपने मोबाइल के थ्रू इसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और ये उसको फॉलो करता है। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो अपने ऑफिस में भी अपने मोबाइल के थ्रू आप इसको सफाई करने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आप इसे दिन में कितनी बार भी सफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा आप इससे स्पॉट क्लीनिंग भी करवा सकते हैं। इसके ऐप में आप अपने घर के हर रूम को नेम करके किसी पर्टिकुलर रूम की सफाई भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के किसी कॉर्नर में ये झाड़ू पोछा ना लगाए तो आप इसके ऐप में जा करके नो मॉपिंग जोन या नो वैक्यूम जोन बना करके आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए। एक बार आपने नो मॉपिंग जोन या नो वैक्यूम जोन बना दिया तो ये वहाँ कभी नहीं जाता। Starting to clean. इस रोबोट को आप अपने गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा के द्वारा भी क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ये रोबोट बहुत ही आसानी से आपके घर के कारपेट्स पर चढ़कर सफाई करता है। कारपेट्स पर आते ही इसका ऑटोमेटिक कारपेट मोड ऑन हो जाता है जिससे ये मैक्सिमम सक्शन पावर पे काम करता है। कारपेट के नीचे हार्ड फ्लोर पर आते ही ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड पर सफाई करता है। इसका सक्शन पावर किसी भी हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर से बेहतर है। ये रोबोट जेड शेप्ड क्लीनिंग पैटर्न पर काम करता है। अगर आपके घर में पेट्स हैं या बहुत सारे हेयर्स गिरे होते हैं तो ये रोबोट उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से वैक्यूम कर लेता है। अपना काम ख़त्म करके ये ऑटोमेटिकली अपने चार्जिंग डॉक पर रिटर्न होकर चार्ज होने लगता है। अगर इसकी बैटरी काम के दौरान लो हो जाए तो ये उसका सटीक अंदाज़ा लगाकर अपने आप ही अपने चार्जिंग डॉक पर रिटर्न होकर चार्ज होता है और फिर जहाँ से इसने अपना काम छोड़ा है वहीं से वापस रिज्यूम कर लेता है। आप देख सकते हैं कि इसने मेरा कारपेट बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 3.8 इंच है तो ये बहुत ही आसानी से आपके फर्नीचर के नीचे भी जा कर के सफाई कर देता है। अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है जैसे कि टेबल या चेयर के पैर तो ये उनके चारों तरफ घूम घूम कर जहाँ तक हो सके सफाई करता है। दोस्तों, अब है परीक्षा की घड़ी। मैंने इस रोबोट से अपना ड्राइंग रूम साफ करवाया है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके डस्टबिन में से कितना कचरा निकला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जितने भी बाल थे इसने ये वो सारे बाल सक कर लिए हैं। इसके अलावा छोटा छोटा जितना भी कचरा था, और सबसे बड़ी बात है कि ये इसका जो डस्ट सक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छा है। ये इसका डस्टबिन है जो कि 400 ml का डस्टबिन है। सारा कचरा वैक्यूम होके यहीं पर आकर इकट्ठा रहता है। ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल होता है, बहुत ही इजीली लग जाता है।
इस डस्टबिन को आपको हर एक दो दिन में साफ करना होता है। इसके अलावा इसका जो वाटर टैंक है वो यहाँ पर है, ये बहुत ही छोटा वाटर टैंक है, 290 ml का है ये, और लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपके पूरे घर में पोछा लगा देता है। इससे ज़्यादा ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इतने कम पानी में हमारे घर में बहुत ही इफ़ेक्टिवली पोछा लग जाता है और ये बहुत आसानी से लग जाता है। और दोस्तों ये इसका मॉपिंग हेड है, जब भी हमें पोछा लगाना होता है तो ये जो मॉपिंग हेड है ये हमें अलग से लगाना पड़ता है, ये बहुत ही आसानी से इसमें लग जाता है और बहुत ही आसानी से ये इसमें लग जाता है। इस ब्रश की सहायता से ये सारा कचरा अपने अंदर यहाँ से सक कर लेता है। ये इसके व्हील्स हैं, ये व्हील इसको मूव करने में मदद करता है और ये व्हील्स आप देख सकते हैं ऊपर नीचे होता है, तो इसकी वजह से ये आसानी से आपके घर के कारपेट्स के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर इसके सेंसर्स लगे हुए हैं, इस सेंसर की सहायता से ये इसको कहीं पे भी ऊंचाई से गिरने नहीं देता। और ये देखिए यहाँ इसके बम्पर्स लगे हुए हैं, तो ये सेंसर और बम्पर दोनों इसको हेल्प करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराने के लिए। ये इसका नेविगेशन सिस्टम है जिसको कि लिडार बोलते हैं, यानी कि लेज़र डिस्टेंसिंग नेविगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम की वजह से ये आसानी से आपके पूरे घर को स्कैन कर लेता है। क्या रोबोट अभी पोछा लगा रहा है, आप देख सकते हैं ये ज़िगज़ैग पैटर्न में ही पोछा भी लगाता है। मुझे इसे पोछा लगाते हुए देखना बहुत पसंद है। दोस्तों इस गैजेट को चलाने के लिए आपको एक बेसिक सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े जो कचरा अगर आपके घर में है तो उसे उठा करके आपको फेंकना होगा। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे और हल्के वाले रग्स हैं तो ये उनको खींचता हुआ चलेगा, तो उसे हटाना पड़ेगा। अगर भारी वाले रग्स हैं जैसे कि कारपेट जैसे, तो उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे रग्स को आपको हटाना पड़ेगा। ये रोबोट 1 ईयर वारंटी के साथ आता है और इसके अटैचमेंट्स जैसे कि ब्रश और मॉपिंग हेड मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे तो इसकी लाइफ 7 to 8 years है। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब मुझे काम वाले के कोई नखरे नहीं सहने पड़ते हैं, और बहुत गर्मी में जब मुझे झाड़ू करना होता है तो मुझे फ़ैन बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रोबोट थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड टोटली वर्थ है। ये आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देता है। ये स्नोबेल मेरे पूरे घर को मुझसे बिना खिटपिट किए टोटली डस्ट फ्री रखता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर इस रोबोट से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।